हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और ये भी पूछा है कि इस बल का मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, तो हम ये भी टॉपिक करेंगे इसमें, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक धारावाही चालक या धारावाही तार ए बी को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, तो इस पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो पूछने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, माना कि एक चालक तार ए बी है जो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या है रखा गया है। यदि इस तार में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला जो बल होगा F, वो क्या होगा, तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तार की लंबाई, तार जितना लंबा होगा तो तार की लंबाई के भी क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो F समानुपाती हो जाएगा L के। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा बल भी उतना ज़्यादा होगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कैसा होता है, समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती हो गया B। और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये और ये जो चालक तार है इनके बीच जो थीटा कोण बना है, इसकी ज्या मतलब साइन थीटा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो F समानुपाती हो गया आई के, F समानुपाती हो गया एल के, F समानुपाती हो गया बी के, और F समानुपाती हो गया साइन थीटा के। अब इन चारों समीकरण को मिलाकर लिख देंगे, चूँकि ये चारों के चारों समानुपाती में, तो ये सामने लिखा जाएंगे, तो F समानुपाती हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, तो हो गया आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी, तो F का F हो गया, समानुपाती हटा के बराबर लगा के K लगा दिया और लिख दिया आई एल बी साइन थीटा। यहाँ K क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। एम के इस पद्धति में इन मानों को इस प्रकार रखा जाता है कि K बराबर क्या हो, 1 आए, तो अब यहाँ से K हट जाएगा क्योंकि 1 का गुणा तो करेंगे तो वही की वही संख्या आती, इसलिए क्या होता है, K यहाँ से हट जाएगा। तो F का F हो गया, बराबर का बराबर हो गया, K हट गया क्योंकि K की वैल्यू कितनी, 1, तो ये हो गया आई एल बी साइन थीटा। तो हमने लिख दिया आई एल बी साइन थीटा, यही है धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा है कि कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, तो हम इसके आगे भी करेंगे। अधिकतम बल के लिए, अधिकतम बल के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, जबकि न्यूनतम बल के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। अगर आपने लारेंज बल पढ़ा है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। आपको बायो सेवर्ट का नियम, लारेंज बल और एक धारावाही चालक पर लगने वाला बल, इन तीनों को एक साथ ही करना चाहिए क्योंकि ये एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा साइन थीटा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा आई एल बी, और साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो एफ का एफ, आई का आई, एल बी का एल बी, साइन 90 की जगह हो जाएगा 1, इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही की वही संख्या हो जाएगी, तो एफ बराबर हो जाएगा आई एल बी। ये अधिकतम वैल्यू होती है, मतलब अधिकतम बल होता है, मतलब जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ रखे, लंबवत रखे, इस तरह से रखे, तो उस पर लगने वाला बल कैसा होता, अधिकतम होता है। अब न्यूनतम बल के लिए, तो यदि थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, मतलब धारावाही चालक जो है वो इस तरह से रखा, समांतर या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखे, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, तो यहां पर एफ का एफ हो जाएगा, आई एल बी का आई एल बी हो जाएगा, साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो एफ बराबर हो गया आई एल बी, और साइन 0 डिग्री का हो गया 0। अब 0 का गुणा किसी भी वैल्यू में करो तो 0 ही आता है, तो एफ का मान हो गया 0, मतलब बल लगने वाला बल जो हो गया वो 0 हो गया, मतलब जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या अनुदिश रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे धारावाही चालक पर बल का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है और ये कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।